नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से विद्यार्थी मेरे साथ, काफी सारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ACF FRO की तैयारी कैसे करें, बड़े दिमाग में विचार चल रहे हैं। तो आज का ये सेशन स्पेशली उन छात्रों के लिए है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि तैयारी में ऐसा क्या है जो कि हमें कुछ अलग से करने की डिमांड करता है, यानी कि क्या हम तैयारी करते समय ध्यान रखें। उन सारी बातों को मैं यहां पर आज आपके साथ लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा क्लासेस हैं वो ली जा रही हैं ACF FRO के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तैयारी में किस-किस चीज का विशेष रूप से ख्याल रखें। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी तैयारी के अंदर जो मेजर पोर्शन है ना, वो क्या है, आपके सामने साथियों एक पेपर वन है। पेपर वन जो है ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है आप लोगों के सामने कि पेपर वन जो है साथियों, ये आप लोगों का पूरा की पूरा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन लेके आ रहा है। पेपर वन क्या लेके आ रहा है? स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। मतलब इस पेपर वन के अंदर हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, आपके जो सारे सब्जेक्ट किसी भी सिविल सर्विस के लिए, चाहे आप RAS की तैयारी कर रहे हो या आप IAS की तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ने पड़ते हैं वो तो आपके लिए पढ़ने हैं ही। इसके अलावा इंग्लिश जो है वो भी आप लोगों को पढ़नी होती है ना। तो इंग्लिश जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, कि इंग्लिश का यहां पर एक अलग से पेपर है। देखिए, पेपर वन प्रॉपर तरीके से एक अलग है आप लोगों का, दूसरा है इंग्लिश जो कि अपने आप में एक अलग पेपर है। इसके अलावा दो ऑप्शनल हैं। यहां पर कितने ऑप्शनल हैं? दो ऑप्शनल भी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब इन दो ऑप्शनल में क्या कहानी है, मैं आपको वो बताऊं। ये तो आप लोगों ने ले ही लिए होंगे। असल में जो मेजर क्राइसिस फंस रहा है वो क्या है, इन दो चीजों की तैयारी कैसे करें। ऑप्शनल के अंदर मैं बता दूं कि आप लोगों का एक ऑप्शनल तो वो होता ही है जिससे आपने PG किया होता है या फिर जिसमें आपको अच्छा बैकग्राउंड मिल रहा होता है। तो एक ऑप्शनल तो आप ऑलरेडी सभी लोग कंफर्टेबल होते हैं जो तैयारी में है। एक दूसरा ऑप्शनल होता है जो सेकंड ऑप्शनल आप लोग लेते हैं। उस सेकंड ऑप्शनल में बच्चों ने, अधिकांश लोगों ने एनवायरमेंट लिया हुआ है ना। तो एनवायरमेंट लिया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना साथियों कि ये एनवायरमेंट पूरा की पूरा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप से आने वाला है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पे पूरा की पूरा ऑब्जेक्टिव है जो आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये पूरा की पूरा ऑप्शंस में आने वाला पेपर है, ये भी ऑप्शन में आने वाला पेपर है। इनमें से एनवायरमेंट के लिए मेरे द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं आप लोगों के लिए, कहां पर? अनअकैडमी पर। तो कोई भी अगर आप में से अभी तक एनवायरमेंट की तैयारी नहीं कर पाया है तो वो मेरे साथ जुड़ करके एनवायरमेंट की तैयारी कर सकता है। एक बात तो ये निकल के आई। अब सवाल बनता है, सर इंग्लिश का लेवल कैसा होता है? तो मैं आपको हर पेपर के अंदर एक लेवल की बात बताता हूं, पुराने पेपर का एनालिसिस बताता हूं, किस प्रकार की चीजें रही हैं, सुनिए ध्यान से साथियों। जो इंग्लिश है ना, वो आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो RAS मेंस के अंदर जो सिलेबस लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही सिलेबस आप लोगों के इस ACF के एग्जाम में लिखा हुआ है। मतलब सिलेबस एकदम सेम है। और RAS मेंस का अगर आप पेपर देखते हैं तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं साथियों कि वहां पर भी पेपर लिखने वाला आता है हालांकि, लेकिन जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है ना, या फिर ये समझिए कि ग्रामर वाला जो पोर्शन है, उसको वो एक तरीके से ऑप्शंस में ही देते हैं। ऑप्शन का मतलब समझ में आ रहा है? ऑप्शन का मतलब आपके सामने दो ऑप्शन दे दिए कि भाई बताइए विच वन ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग है ना, ऐसे इस लाइन का मतलब क्या है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है, दो ऑप्शन दे दिए। तो आप चाहें तो आप अपनी इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं कि RAS मेंस का कोई प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ग्रामर किस लेवल की देते हैं। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं आप लोगों को, तो आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन आता है ना इंग्लिश में, वो काफी अच्छा लेवल आता है। तो इंग्लिश की तैयारी करते समय ये आप तैयार रहिएगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए, पूरा की पूरा मेंस का पेपर उठा के देखिए, उसके अंदर शुरुआती जो 20 नंबर का पोर्शन आता है ना, वो ग्रामर का है। ग्रामर बहुत अच्छे लेवल की आती है। इवन जिन लोगों ने बढ़िया तैयारी कर रखी होती है, उनके नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे होते हैं उस पोर्शन में। ऐसे ही जो अनसीन पैराग्राफ वो आता है ना, पैराग्राफ से क्वेश्चन बनने वाला, कंपोजिशन वाला जो क्वेश्चन आता है, वो भी यहां पर बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे कि आपके ऑप्शंस में आते हैं ना, वैसे दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी सब कुछ आसान आता है, लेकिन वो जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना साहब, वो थोड़ा सा वेटफुल वाला है, यानी काफी इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी रहने वाला है। तो आप इसकी जबरदस्त तैयारी करें। किसकी? ग्रामर वाले पोर्शन की। तो ये तो बात हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पेपर रिटर्न होगा या MCQ? तो मोहित जी, ये पेपर आप लोगों का MCQ वाला होगा पूरा की पूरा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई मोहित जी। ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो देखिए पेपर वन जो है वो बिल्कुल आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस मेंशन कर रहा है। तो प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं साथियों उनका लेवल भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आप एक बार तैयारी करते समय पेपर का जो रेफरेंस लीजिएगा, क्योंकि एसीएफ का पेपर तो कोई 6-7 साल पहले हुआ था, उस पेपर के आधार पर मत उम्मीद करिएगा कि कैसा पेपर आएगा। आप जो याद करिए कि ये देखिए ऐसा ही सिलेबस, इसी के इक्विवेलेंट कौन सी सर्विस है जहां पर आता है, तो वहां पर आप आरएएस प्री के पेपर को अपना आधार बनाइए, और जब आप इंग्लिश की तैयारी करें तो आरएएस मेंस में इंग्लिश का जो पेपर आता है उसको अपना आधार बनाइए, उनको चेक करके देखिए कि पेपर में आप लोगों के लिए क्या पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब ऑप्शनल की बात मैं करता हूं तो एनवायरमेंट ऑप्शनल है आप लोगों का, ये मैं आपको तैयार करवा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति तैयार करना चाहता है एनवायरमेंट ऑप्शनल, तो मेरी रोजाना सुबह 9:30 से 10:30 बजे बाइलैंग्वल क्लास हो रही है, जिसका पूरा मटेरियल सिलेबस की लाइन 1 से लेकर लाइन 10 तक पूरा कंटेंट जो है मैं वो आप लोगों को बना करके दे रहा हूं बढ़िया भाषा में, बाइलैंग्वल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, पूरा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा मैं आप लोगों को, और बहुत अच्छा कंटेंट मैंने डेवलप करवाया है, ठीक है। तो आप उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार देख लो कैसे आपको ऑप्शन लेना है। तो क्या करिएगा कि सबसे पहले अपने मोबाइल पर ना अनअकैडमी गूगल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल कर लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करने के बाद वहां पर जाकर के आप चूज योर गोल में जाइए और वहां से आरपीएससी सेक्शन सेलेक्ट करिएगा। मैं इसको आरपीएससी में लेके आया हूं छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। आरपीएससी में जाकर के वहां से इसका गेट सब्सक्रिप्शन कर लो। गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर के ये 6 महीने वाला प्लान ले लो आप, 5600 रुपए की रेट है इसकी, और 5600 रुपए की जो रेट है साथियों ये आपको अंकित 10 लगाने से 5040 की पड़ जाएगी। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज कर लेना, मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छा, जो मेरी प्रीवियस क्लासेस मिली है वो भी मिल जाएंगी साथियों। यहां पर हम जल्दी ही इंग्लिश की क्लासेस भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, जीके की बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो 5040 में आपको एनवायरमेंट और उसके अलावा पेपर वन के अंदर जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप लोग एक बार करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कह रहे हैं सीएचएसएल में ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है क्या, इंग्लिश छोड़ दिया तो पासिंग होगी क्या? भाई नो आइडिया। तो उम्मीद है मेरे प्यारे लोगों के लिए ये चीज बड़ी यूजफुल होने वाली है, तो कृपया करके आप जल्दी से इसको सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा समय रहेगा तो आप लोग रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू सो मच।